सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। केवल लोगों के बातों के कारण लोग हमें भला बुरा कहते हैं और हम उनकी बातों को लेकर इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने सारा और अब्राहम की कहानी सुनी है कि जब 100 वर्ष का अब्राहम हो जाता है और उसकी पत्नी 90 वर्ष की हो जाती है तब उनको संतान पैदा होता है। जिस सारा को लोगों ने बांझ समझा उसी सारा को परमेश्वर ने बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाई। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य के देखने में अंतर है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं। जिस सारा के अंदर लोगों ने एक बांझ को देखा उसी सारा के अंदर परमेश्वर ने बच्चों की आनंद करने वाली माता को देखा। जिस दाऊद के अंदर लोगों ने केवल एक चरवाहे को देखा उसी दाऊद के अंदर परमेश्वर ने एक राजा को देखा। जिस यूसुफ के अंदर लोगों ने एक नौकर को देखा, एक गुलाम को देखा, उसी यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने एक प्रधानमंत्री को देखा और उसे प्रधानमंत्री बना। इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, लेकिन मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ केवल प्रभु पर विश्वास करिए और धीरज रखिए। आमीन।